मैं कोई भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा को आपके बीच में नहीं बोल सकता हूँ। जो समाजवादी पार्टी को 370 के बारे में कहना था लोकसभा में मैंने भी कहा। क्या जो आज हो रहा है वहाँ पर, आज 20 दिन से ज़्यादा लोग हो गए हैं, लोग बंद हैं, घरों में कैद हैं, और हम राजनीतिक दल लोग के लोग हैं, लेकिन हमें पत्रकार साथी बताएं कि आखिरकार हो क्या रहा है वहाँ पर। और फिर सरकार का इतना ही अच्छा फैसला था तो लोगों से पूछ के क्यों नहीं फैसला लिया गया? ऐसे तो ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचार थे, अगर केवल दो लाइनें पढ़ लें शुरुआत की, वो तो इस पक्ष में भी थे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब मिलकर के एक महासंघ बने जहां कम से कम प्लेटफॉर्म हो। आर्टिकल 370 भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था। क्या वहां के लोगों में वही खुशी है जो लोगों ने सड़कों पर खुशी मनाई है? जो आज उनके साथ हुआ है वो आप और हमारे साथ भी कल होगा। आपके और हमारे साथ भी होगा। और जहां तक हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा कि ईडी का डर, मैंने कहा लोकतंत्र में एक नई संस्थाएं खड़ी हो गई हैं, और ये सीखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से कि इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल कैसे होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार बनी होगी। उसने कभी इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल नहीं बनाया होगा। ये सीखने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी सीखना चाहिए। और ईडी, सीबीआई और डर, ये नए लोकतंत्र का, नए भारत का ये नया लोकतंत्र है। ये डरा करके और नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में न जाने कितने इनकाउंटर हुए हैं कानून व्यवस्था के नाम पर। ये कहा कि इनकाउंटर हम इसलिए कर रहे हैं, ये अपराधी हैं। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार एक बार सूची क्यों नहीं दे देती है कि कितने अपराधी हैं और कितने अपराधियों के नाम पर इनाम घोषित है, किस थाने में है वो, सरकार क्यों नहीं दे रही है? आखिरकार कौन जिम्मेदार है? और सोचिए उत्तर प्रदेश में जो फर्जी इनकाउंटर हुए तो वो हुए ही हुए हैं। क्या एक पुलिस के अधिकारी की जान चली जाए? और जब वो अपराधी लोग, खैर वो मैं नहीं कहता हूं कि क्या है जिन पे आरोप लगे हों, जब वो कोर्ट से निकल करके आए तो उनका स्वागत हो रहा हो, क्या ये नया लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की परिभाषा होगी? और फिर कितने लोगों की हत्या हुई है? आप बताइए, पुलिस का अधिकारी मारा गया और उसका स्वागत हो रहा है जब बेल मिली है जिस पे आरोप है, क्या ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है? और एक महिला के साथ एटा की अवागढ़ थाने के आसपास जो हुआ है, पुलिस ये डराती थी कि तेरे पति का इनकाउंटर हो जाएगा और अगर इनकाउंटर से बचना चाहती हो तो जो मैं कह रहा हूं वो करो और उससे संबंध बनाए, वो आज प्रेग्नेंट है महिला। ये कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। आप निकालिए ह्यूमन राइट के जो नोटिस मिले हैं, सबसे ज्यादा किसको मिले हैं? उत्तर प्रदेश को मिले हैं। कैसी सरकार है बताइए? मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस ले रहे हो, उप मुख्यमंत्री के वापस ले रहे हो, जिन पर गंभीर धाराएं लगी हो वो मुकदमे वापस हो रहे हो। क्या समाजवादी पार्टी ने इसीलिए 1,000 करोड़ की बिल्डिंग बनाई थी जिसमें पुलिस बैठे और आम जनता पर अन्याय करे? ऐसी बिल्डिंग बनाई है पूरे देश में पुलिस के पास नहीं है। कोई देश का डीजीपी इतनी अच्छी जगह नहीं बैठता होगा जितना समाजवादी सरकार में इस उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठ रही है। क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी ने बनाया था ये 100 नंबर स्ट्रक्चरल चेंज? आप देखिए चीफ सेक्रेटरी के भाषण सुनिए, अगर कहीं प्रेजेंटेशन हुआ होगा देश में किन्हीं अधिकारियों के सामने, तो बोलो सरकार ने किसका प्रेजेंटेशन किया है? यही डायल नंबर 100 का प्रेजेंटेशन हुआ है।
न जाने कितने देश के अधिकारी आए हैं उस बिल्डिंग में, उसमें समझाया गया है कि 100 नंबर कितनी अच्छी योजना है। और बताइए, उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश बना दिया। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, आप खर्चा कर रहे हो प्रचार में, गमलों में खर्चा कर रहे हो, लाइट में खर्चा कर रहे हो। आपको लखनऊ सुंदर दिखाना था, गोमती का किनारा सुंदर दिखाना था, तो लाइट ऑन कर दी, और जैसे ही उद्योगपति उत्तर प्रदेश से गए लाइट ऑफ कर दी। ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या कहा आपने कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? आपने बजट उससे कम दिया, लेकिन गाय मां के लिए बजट ज्यादा दिया, लेकिन उसकी भी जान नहीं बची, और ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ कहीं उत्तर प्रदेश में। बताओ, इतने 100 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद क्या गाय मां जिंदा है? मैं हमीरपुर की तस्वीर कभी याद करता हूं, जिन परिवारों में बच्चे होंगे वो सोचते होंगे कि अगर कहीं बच्चा अकेला चला गया, कहीं ऐसा नहीं तार छू ले तो उसकी जान चली जाए। मैंने अखबारों में वो तस्वीर देखी है कि दो बच्चे खेलते खेलते नहा करके वो तार को छू लिए और उनकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश में अभी भी हो रहा है ये कई जगह। अभी अभी कुछ दिन पहले किसान की मृत्यु हो गई, केवल तार लगाया था इसलिए। और फिर क्या कर रहे हो किसान के लिए? हम देखने गए थे रशिया में किसान कैसे तरक्की करता है, फूड प्रोसेसिंग देखने गए थे, और आपके एक्सप्रेस के किनारे जो मंडियां बन रही हैं वो आज भी अधूरी पड़ी हुई हैं। वो इसलिए पड़ी हुई हैं क्योंकि समाजवादी लोगों ने बनाई हैं, इसलिए अधूरी पड़ी हुई हैं। ये मॉडल है विकास का कि एक्सप्रेस वे बनाइए, उसके किनारे आप मंडियां दीजिए, उन मंडियों में प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए। क्या दुश्मनी थी इत्र से आपको? आपने इत्र किया वो छीन लिया। ये है कानून व्यवस्था आपकी। और आप अपने अधिकारियों का प्रमोशन मिल जाए, कौन नहीं जानता नोएडा में उस आईपीएस ने क्या क्या नहीं किया। और मेरा दुख है इस बात का कि सबसे पहली पोस्टिंग मैंने उस आईपीएस को दी थी। और बताइए, उस आईपीएस को इसलिए बैठाया गया है कि आजम खान साहब यहां पर निकल ना पाए, आ ना पाए। यूनिवर्सिटी पे एक जांच, दो जांच, तीन जांच, पांच जांच, झूठे मुकदमे कितने? 70 से ऊपर झूठे मुकदमे लग चुके हैं। कोर्ट मदद कर रहा है उसमें। आप डरा के राजनीति करना चाहते हैं? मैं कहता हूं लखनऊ में किसी कोने पे निकल जाओ, कहां इलीगल बिल्डिंग नहीं है ये बता दो मुझे। मुझे एक कोना बता दो। मैं उन संस्थानों के बारे में नहीं कहना चाहता हूं, मेरे पास तस्वीर है, रिकॉर्डिंग है, जो आज भी इलीगल काम हो रहा है वहां पर। आज भी इलीगल काम हो रहा है लखनऊ में, जब राजधानी में इलीगल हो रहा हो, सड़क के ऊपर बन जा रही हो चीजें, आपकी मालिक नहीं है, आप बना ले रहे हो, लखनऊ में बन रहा है। कौन नहीं जानता लखनऊ में कहां कहां इलीगल हो रहा है काम? लेकिन नहीं, लखनऊ में तो हो सकता है इलीगल काम, लेकिन किसी पार्टी का नेता ने जो अगर पढ़ाई लिखाई के लिए कोई संस्था बनाई है तो उसकी जांच नहीं होगी, उसकी जांच ऐसी होगी जिस पर कार्रवाई हो जाए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश बना दिया, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाला। और अब तब नहीं आएगा जब बैंक सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप सोचो बैंक्स की हालत कैसी है, आप सोचो देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग कहाँ चला गया, रियल इस्टेट कहाँ चला गया, स्टील इंडस्ट्री कहाँ चली गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर कहाँ चला गया, शोरूम्स कहाँ चले गए? आप सोचो कभी, जो गंगा की सफाई का दावा करते थे, आई बाढ़ पानी ले गई गंदगी, लेकिन गंदगी नहीं हटा पाए ये लोग। क्या गंदगी हट गई? इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से यही चाहता हूं, कैसे लोगों को चुने जो विकास करते हो, विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश। और कौन सा काम कर रहे हैं? समाजवादियों ने एक्सप्रेस बना दिया, उसी पे गिट्टी, उसी पे मिट्टी डाल ले। अरे अपना घोषणा पत्र पूरा करो। मैं कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्या पूर्वांचल के लिए एक्सप्रेस वे के बारे में क्या घोषणा पत्र में था उनके? आप बीजेपी के घोषणा पत्र के पन्ने पलटिए। क्या जो अलाइनमेंट और जो जमीन एक्वायर समाजवादियों ने नहीं की थी? क्या किसने की थी? आप हमारे काम को आगे बढ़ा रहे हो, कम से कम थोड़ा बहुत तो कर रहे हो। हम तो चाहते हैं सब काम ऊपर पूरे कर लो। लोक भवन जिसमें बैठ रहे हैं आप, बुलेट प्रूफ की वो खिड़कियां बनाना चाहते हो इसलिए कि आप दूसरों को डराना चाहते हो। आप खिड़कियां बुलेट प्रूफ इसलिए चाहते हो कि दूसरे लोग डरते रहे आपसे। कभी कभी लगता है कि ऐसे ही मुख्यमंत्री रहें
तभी हमारी सरकार दोबारा अच्छे बहुमत से आएगी। उनकी एसपीजी हटी, हमारी एनएसजी हट गई। बात एन की और पी की है भाई, उनकी उनकी एसपीजी हटी और हमारी एनएसजी हटी, एनओएस दोनों के हट गए। हमारा क्या फर्क पड़ा बताओ एनएसजी हटाने से? पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफियाओं को तो दी हुई है सिक्योरिटी। आप सावधान रहना, ये हालांकि आप सरकार, आप सावधान रहना, मुझे तो ये लग रहा है ये रंग इसलिए पहना कि आप पे मुकदमा ना लगे। दो मेट्रो नहीं, समाजवादियों को मौका मिल गया होता। देखिए हमें लड़ना किससे है ये बात समझ में आनी चाहिए। मेट्रो समाजवादी सरकार की योजना के और उस समय सरकार के फैसले की वजह से बनी। मुझे खुशी है श्रीधन जी ने सुबह शाम दिन रात जब ज़रूरत पड़ी होगी उन्होंने हमारी मदद की और सरकार का सहयोग किया। कोचीन और लखनऊ की बराबर मेट्रो बन करके खड़ी हो गई। ये दोनों फेज जो बने खड़े हैं ये समाजवादियों की देन है। अभी आगे का जो तय होना था ये सरकार फाइल पे दबाए बैठी है सरकार। और अभी तक तो बनारस में शुरू हो गई होती। याद कीजिए पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब मैं कहता था कि लखनऊ में बना दी है, बनारस में भी बन जाएगी, आगरा में भी बन जाती, कानपुर में भी बन जाती। लोग ये कहते हैं जो लड़ाई है, कुछ लोग है ये गांव में और देहात में समझा देते हैं कि ये तो दिल्ली का पैसा है, ये उनका नहीं है मेट्रो, ये तो पैसा दिल्ली से आया था, ये तो और अच्छी बन जाती, ये तो खराब बनी है। देखिए उन बातों में कुछ नहीं रखा है। ये नौकरी और रोजगार बड़ा सवाल है। पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार होकर के बैठे हैं, नौकरियां नहीं हैं। ये जो आर्थिक मंदी या जो हमारी इकोनॉमी ढह गई है, ये जो सेक्टर एक के बाद एक नीचे जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं बताओ नोएडा में और लखनऊ में कितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है? क्या वो मशीनें वैसी की वैसी नहीं खड़ी रह गई? क्या फ्लैट बिक रहे हैं? रियल इस्टेट की क्या हालत है बताओ? आप बताइए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तमाम खबरें आई हैं। देश की वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ा, समझाना पड़ा कि हमारी इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन नहीं है। क्या शोरूम्स नहीं बंद हो रहे? क्या गोरखपुर में 2 या 3 मॉल नहीं बंद हो गए? आज मॉल नहीं चल पा रहे हैं। कोई सेक्टर नहीं है जो ग्रोथ कर रहा हो, सब जा रहे नीचे। तो कहाँ है नौकरियां, कहाँ है रोजगार? उत्तर प्रदेश में इसीलिए खजाने में पैसा नहीं है। डीजल और पेट्रोल की वैट दी हुई खत्म कर दी, इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, पढ़ाई के हैं, लिखाई के हैं, नौजवानों के हैं। अभी कोई सवाल मत पूछिए। सवाल तो आधा हिंदी आधा ही अंग्रेजी ने पूछा है, और क्योंकि कुछ विभाग बदले गए, कुछ मंत्री नहीं हट पाए, हटने थे वो नहीं हट पाए, ये बात मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये सब जानते हैं कि जिनको हटाना चाहते थे, जिन्हें कभी कुर्सी नहीं मिली, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और जीरो टॉलरेंस जो बताया था सरकार ने करप्शन के लिए, सरकार ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उनकी सरकार में बड़े पैमाने पर करप्शन था और है और रहेगा। आपने सारी पार्टी की जो जगह सबको बंद कर दिया है, 13 चुनाव होने हैं,
ये समाजवादी पार्टी पे छोड़ दीजिए आप। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इतनी देर तक आप लोगों ने इस कार्यक्रम में शामिल हुए और रहे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।